जय श्री कृष्णा, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे बिना गैस के ही इंस्टेंट डेजर्ट। सबसे पहले हम एक बाउल में 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून घर की जो दूध की फ्रेश मलाई रहती है वो डालेंगे, 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम फिर से एक बाउल लेंगे, उसमें 1/2 कप दूध डालेंगे, 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून शक्कर पाउडर डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम उसमें 2-3 ड्रॉप वेनिला एसेंस के डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से कट किए हुए पिस्ता डालेंगे, बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम पिन जितना केसर है जिसको हमने गर्म दूध में भिगो के रख दिया था वो डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसकी साइड है वो निकाल लेंगे। हमने ब्रेड की साइड्स को कट कर लिया है। अब हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया है वो हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी ब्रेड की स्लाइस है वो रख देंगे। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से एक बाउल में 1/2 कप दूध लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा जो शुगर सिरप बनाया है वो डालेंगे, जिसे जो ब्रेड है वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर हमारी जो रबड़ी तैयार की है वो डालेंगे। ये टेस्ट में बिल्कुल रसमलाई जैसी लगती है और ये बनाने के लिए हमें गैस की भी जरूरत नहीं है। अभी हमारा इंस्टेंट डेजर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे घर पे जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।